हेलो एवरीवन चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्योंकि हमने जेनेटिक्स स्टार्ट कर रखी है इसलिए लगे हाथ ये वाला टॉपिक देख लेते हैं हावएर एवोल्यूशन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं बट जेनेटिक्स हमारी हो गई है तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा सो so, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं और हम पहले ये समझेंगे कि एक पॉपुलेशन क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉपुलेशन है और ये इस पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं तो एक पॉपुलेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और हमें यहां इस टॉपिक में अल्टीमेटली करना क्या है देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे बहुत इजी है कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर बहुत इजी टॉपिक रहेगा हमारा तो हमको पॉपुलेशन के ऊपर जेनेटिक्स अप्लाई करनी है इसको कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स सो पॉपुलेशन होती क्या है पहले हम ये बात करेंगे अब पॉपुलेशन क्या होती है इसको हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी इकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इकोलॉजी कहती है कि पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज सेम स्पीसीज अब एक बार गौर करिएगा आगे कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे कि बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज लिविंग इन सेम एरिया एट ए गिवन टाइम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज़ इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं इसमें ध्यान दीजिए सेम स्पीसीज के ऊपर यह बहुत काम का टर्म है यहां पे सेम स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है तो सेम स्पीसीज अगर हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो सेम स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जहां एक मेल और एक फीमेल कैन इंटरब्रीड सक्सेसफुली अगर एक मेल यहां किसी फीमेल के साथ सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन कर सकता है यानी कि वो वायाबल फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकता है तो ऐसे इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के होते हैं तो क्योंकि इकोलॉजी के अंदर इतने डीप बात नहीं की जाती है तो सेम स्पीसीज टर्म इस्तेमाल हो गया अब हम बात करेंगे इसी पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स अकॉर्डिंग जेनेटिक्स अब क्योंकि जेनेटिक्स में जीन्स की बात होती है जीनोम की बात होती है आपको यह पता है कि एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है और जाइगोट से नया इंडिविजुअल बनता है राइट right? इंडिविजुअल। अगर इन दोनों गैमिट्स के अंदर डीएनए अलग अलग स्पीशीज का होगा तो ये जागोट वायबल नहीं होगा इसकी डेथ हो जाएगी हो सकता है कि ये फ्यूज ही ना हो बट अगर हम जबरदस्ती फ्यूज करवा भी दें तो जायगोट की डेथ हो जाती है या एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है या इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा केस में इंडिविजुअल जिंदा रहेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा हाइब्रिड होता है वो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों स्पीसीज सेम नहीं थी जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग करवाई गई तो यहां पर बनते हैं हाइब्रिड्स राइट तो अब हम स्पीसीज कहें किसे हम स्पीसीज उन इंडिविजुअल्स को कहेंगे जिनका डीएनए आपस में आराम से मिक्स हो सकता है हम स्पीसीज उन इंडिविजुअल्स को कहेंगे जिनके गैमिट्स अगर फ्यूज हो तो जायगोट में जो डीएनए पहुंचा है वो डीएनए आराम से अपने होमोलोगस डीएनए के साथ में रह सके इसका मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो सेम जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं उसे हम कहते हैं स्पीसीज क्योंकि ये जेनेटिक्स है इसलिए थोड़ा सा टर्म्स अलग यूज करने पड़ेंगे तो आप इसके नीचे लिख लीजिए डेफिनेशन पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल कॉमन जीन पूल शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल तो अब हम और चर्चा करते हैं थोड़ा पॉपुलेशन के डिफरेंट आस्पेक्ट के ऊपर ताकि हमको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए आपके सामने एक पॉपुलेशन है अब हम कुछ बातें करते हैं एक होती है स्मॉल पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन और दूसरी होती है लार्ज पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन अब देखते हैं कि स्मॉल पॉपुलेशन और लार्ज पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है अगर हम इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी तो हम क्या कहेंगे स्मॉल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिसमें कम मेंबर्स हैं। लार्ज पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिसमें ज्यादा मेंबर्स हैं। तो स्मॉल पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन होगी वेन मेंबर्स आर लेस मेंबर्स आर लेस और लार्ज पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन होगी वेन मेंबर्स आर मोर मेंबर्स आर मोर ज्यादा मेंबर्स है तो लार्ज पॉपुलेशन कम मेंबर्स है तो स्मॉल पॉपुलेशन ये बात किसके अकॉर्डिंग है इकोलॉजी अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग या एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स या एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लार्ज और स्मॉल पॉपुलेशन किसको कहेंगे देखिए सपोज करो कि एक पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में इतने सारे मेंबर्स हैं ये सारे के सारे मेंबर्स हैं नाउ स्मॉल पॉपुलेशन का मतलब क्या जब इस पॉपुलेशन का कोई भी मेल एनी मेल, इस पॉपुलेशन की किसी भी फीमेल तक अप्रोच कर सकता है मैटिंग पर्पज पर से या हम यह भी कह सकते हैं कि यहां की कोई भी फीमेल इसी पॉपुलेशन के किसी भी मेल पार्टनर के साथ मैटिंग कर सकती है तो इसे हम कहते हैं स्मॉल पॉपुलेशन यानी यहां पर इतने कम मेंबर्स हैं कि हर मेंबर एक दूसरे तक पहुंच सकता है इसके लिए एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं रैंडम मैटिंग रैंडम मैटिंग पॉसिबल जिसमें हो उसे कहते हैं स्मॉल पॉपुलेशन जिसमें रैंडम मैटिंग पॉसिबल होती है अगर रैंडम मैटिंग की डेफिनेशन लिखनी है तो साइड में लिख लो रैंडम मैटिंग का मतलब होता है जब कोई भी मेल अपनी पॉपुलेशन में टोटल जितनी भी फीमेल्स हैं, उनमें से किसी भी फीमेल के साथ मैटिंग के लिए अप्रोच तो कर सकता है अब मैटिंग होगी कि नहीं होगी वो तो अलग बात है लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं है कि वो उतनी दूर फीमेल है उस तक तो जा ही नहीं सकता इसे कहते रैंडम मैटिंग लिखिए वैन एनीमेल और फीमेल ऑफ ए पॉपुलेशन इज एबल टू मेट विथ एनी अदर फीमेल और मेल ऑफ द सेम पॉपुलेशन किसी भी मेल या फीमेल के साथ अगर मैटिंग पॉसिबल है तो उसे कहते हैं रैंडम मैटिंग अब दूसरा समझो एक है लार्ज पॉपुलेशन बड़ी साइज की पॉपुलेशन है यह पॉपुलेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहां पर जो मेल प्रेजेंट है इस मेल को मैटिंग के लिए अपने ही आसपास कहीं ना कहीं फीमेल मिल ही जाती है तो यह मेल कभी भी यहां पर जो फीमेल प्रेजेंट है उस तक या तो पहुंचता नहीं है या पहुंच नहीं पाता है क्यों उसके दो रीजन है रीजन नंबर वन या तो इस एक इंडिविजुअल के सराउंडिंग में ही इसको मैटिंग पार्टनर मिल रहा है तो वो क्यों जाए बहुत ज्यादा दूर मैटिंग करने के लिए एक फॉरेस्ट के अंदर अगर एक टाइगर को एक लाइन को मैटिंग पार्टनर मिल रहा है तो वो दो फॉरेस्ट दूर क्यों जाएगा या तो एक पॉसिबिलिटी ये है या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिस तरीके का ये स्पीसीज है जिस तरीके का हैबिटाट है यहां तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कुछ भी हो हम क्या कहेंगे यहां रैंडम मैटिंग पॉसिबल नहीं है यह फीमेल भी इसी पॉपुलेशन का पार्ट है लेकिन इस फीमेल तक यह मेल नहीं पहुंच पाता किसी वजह से तो रैंडम मैटिंग नहीं हो रही है ये सो लार्ज पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग कौन सी होगी जिसमें रैंडम मैटिंग इज नॉट पॉसिबल रैंडम मैटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये होती है लार्ज पॉपुलेशन तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया लार्ज पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन का आगे बात करते हैं रैंडम मैटिंग और नॉन रैंडम मैटिंग जब कोई चॉइस ही ना हो कि भाई इसी के साथ मैटिंग करनी पड़ेगी तो उसको भी नॉन रैंडम मैटिंग बोलते हैं ना एक और चीज बात करते हैं इकोलॉजी के अंदर इस पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स को मेंबर्स कह दीजिए ये इस मेंबर, ये इस पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं सदस्य हैं ये इंडिविजुअल्स हैं यहां पॉपुलेशन के अंदर अब जेनेटिक्स किसकी बात करती है जेनेटिक्स बात करती है जीन्स की आपको यह एक इंडिविजुअल दिख रहा है और जेनेटिक्स के अंदर हम क्या कहेंगे यह एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ए जीन का कोई जीनोटाइप है बी जीन का कोई जीनोटाइप है सी जीन का कोई जीनोटाइप है डी जीन का कोई जीनोटाइप है ई e जीन का कोई जीनोटाइप है ऐसे भाई जीन्स की बात करेंगे तो हम तो यह कहेंगे कि इसमें ए जीन का क्या कंडीशन है क्या जीनोटाइप है क्या यह कैपिटल ए कैपिटल ए है क्या यह स्मॉल ए स्मॉल ए है क्या यह कैपिटल ए स्मॉल ए है फिर बी जीन का क्या जीनोटाइप है सी जीन का क्या जीनोटाइप है आ रही है बात समझ में तो जेनेटिक्स के अंदर क्या किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर बात की जाती है जीनोटाइप की तो जेनेटिक्स में हम इंडिविजुअल को कहते हैं जीनोटाइप चलता फिरता जीनोटाइप है इंडिविजुअल एक ध्यान रखना ये टर्म समझने बहुत जरूरी है जीनोटाइप का मतलब होता है वो एक आदमी की बात कर रहा है वो एक इंसान की वो एक जानवर की वो प्लांट की बात कर रहा है एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है जीनोटाइप क्लियर अब जीनोटाइप जहां है वहां जीन होंगे जीन है तभी तो जीनोटाइप बना जीन क्या होता है जीन होता है एक डीएनए का ही पार्ट जो फंक्शनल एंजाइम या फंक्शनल प्रोटीन एनकोड कर सकता है उसको जीन कहते हैं जीन के दो फॉर्म्स होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर एलिल्स कहते हैं जैसे कैपिटल ए एलिल ये ए जीन है और एक मान लीजिए स्मॉल ए ये दूसरा एलिल है जेनेटिक्स में जीन डीएनए एक फादर से आया एक मदर से आया सेम क्रोमोजोम पर सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है होमोलोगस के ऊपर उनको एलील्स कहते हैं इकोलॉजी के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड एलील भाई इकोलॉजी में ऐसी बातें नहीं करते जीन क्या है एलिल क्या है है ना ऐसी बातें जेनेटिक्स में की जाती है तो यह बात समझ में आई आपको यहां पे पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स या तो इंडिविजुअल कहलाते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं लेकिन जेनेटिक्स के अंदर वही इंडिविजुअल्स जीनोटाइप कहलाते हैं क्लियर अब देखो मान लो कि इस पॉपुलेशन का कोई मेंबर है वो यहां से निकल गया किसी रीजन से अपनी पॉपुलेशन उसको छोड़नी पड़ी कोई रीजन हो सकता है और वो मेंबर अब दूसरे शहर में जाके दूसरी सिटी में जाके सेकंड पॉपुलेशन में जाके रहने लग गया ये मान लो पॉपुलेशन वन है और ये पॉपुलेशन टू है अब ये यहां इस पॉपुलेशन का पार्ट बन गया इस पॉपुलेशन के अंदर पहले से मेंबर्स प्रेजेंट है अपनी ही स्पीसीज के तो वो अपनी स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स के साथ में जाके रहने लग गया क्या किया इस इंडिविजुअल ने हम कहेंगे इकोलॉजी के अकॉर्डिंग इस इंडिविजुअल ने माइग्रेशन किया है बिल्कुल किया है माइग्रेशन एक मेंबर जब अपनी पॉपुलेशन छोड़ के चला जाता है तो हम कहते हैं कि वो माइग्रेट हो गया ठीक है माइग्रेट हो गया नाउ इंडिविजुअल है चलता फिरता जीन्स का एक ग्रुप चलता फिरता एक जीनोटाइप तो हम यह कहेंगे कि इस पॉपुलेशन में से कुछ जीन्स इस पॉपुलेशन को छोड़ के इस पॉपुलेशन में चले गए तो जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग माइग्रेशन को कहते हैं जीन फ्लो जीन का फ्लो हो गया यहां से पॉपुलेशन से जीन्स निकल के दूसरी पॉपुलेशन के अंदर चले गए <coughs> जीन फ्लो हो गया यहां पे, ठीक है एक और चीज करते हैं अगर मैं यहां पर प्रेजेंट सारे इंडिविजुअल्स की काउंटिंग कर लूं, एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ, तो मुझे क्या पता चलेगा मुझे पता चलेगा पॉपुलेशन की साइज इसका मतलब अगर मैं सम ऑल इंडिविजुअल कर लूं तो मुझे यहां पर पता चलता है पॉपुलेशन साइज इसको कहते हैं पॉपुलेशन साइज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन साइज अब यहां पर पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या रहेगा यहां पर ये है इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स के अंदर है बहुत सारे जीन्स तो मैं यहां पे क्या करूंगा जीन्स की काउंटिंग जैसे इस एक इंडिविजुअल में एक लाख जीन है तो इसमें भी एक लाख जीन है इसमें भी एक लाख जीन है इसमें भी एक लाख जीन है एक लाख जीन इसके एक लाख जीन इसके एक इसके एक इसके ऐसे से करके तो यहां पे क्या निकल गया यहां पे निकल गया सम ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ऑल द जीनो सारे जीनोटाइप के सारे जीन्स को काउंट कर लिया इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं जीन पूल पूल समझते हो ना पानी का भरा हुआ पूल तो ये पॉपुलेशन जीन्स का भरा हुआ एक पूल है इसे कहते हैं जीन पूल एक जीन पूल से कुछ जीन्स दूसरे जीन पूल में चले गए जीन का फ्लो हो गया समझ में आई ये बात आपको तो इकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो माइग्रेशन होता है एवोल्यूशन के जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग वो जीन फ्लो होता है इकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन साइज होती है जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग वो जीन पूल होता है ये टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे चलो आगे और बात करते हैं अब हम बात करेंगे एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट की बहुत ही ज्यादा छोटा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट क्या है इस पॉपुलेशन में हमारे पास में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं बहुत सारे जीनोटाइप्स हैं, ठीक है अब मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं इकोलॉजी और जेनेटिक्स को अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज की इसका मतलब टोटल इंडिविजुअल्स की इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ये हम इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं है ना पॉपुलेशन साइज एन इकोलॉजी के अंदर भी पढ़ा जाता है टोटल मेंबर्स को कहते हैं अब इन सारे मेंबर्स में ए जीन भी है बी जीन भी है सी जीन भी है डी जीन भी है ई e जीन भी है सारे टाइप के जीन से तो मान लो मैं आपसे यह पूछूं कि इस पॉपुलेशन में टोटल एलियस ऑफ ए पर्टिकुलर जीन कितने हैं ध्यान से देखो मैंने क्या कहा यहां पे टोटल एलियस ऑफ ए पर्टिकुलर जीन

एलिल्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन कितने हुए यहां पे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ क्योंकि एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल में एक जीन के दो एलील्स होते हैं तो सारों में कितने होंगे 2n इस 2n को स्मॉल n भी लिख सकते हो तो यहां दो चीजें आपको समझनी है पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं एक जीन के टोटल को या तो आप 2N लिख दो या आप स्मॉल n लिख दो तो इससे हमको स्मॉल n या 2n का पता चलेगा ये इतनी बातें आपको पॉपुलेशन के बारे में पता होनी चाहिए अब हम आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन पे बहुत इंटरेस्टिंग है देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है चलो ध्यान से देखो मान लो मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं इस पॉपुलेशन के अंदर तीन मेंबर्स है एक दो और ये तीन तीन मेंबर्स है ठीक है अब इसका जीनोटाइप <coughs> कैपिटल ए कैपिटल ए है इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है इसका जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल ए है मैंने यहां पर तीन मेंबर इसलिए लिए ताकि एक जीन के सारे जीनोटाइप्स अपन यहां एक्सप्लेन कर सके कैपिटल ए कैपिटल ए भी है कैपिटल ए स्मॉल ए भी है स्मॉल ए स्मॉल ए भी है तो तीन जीनोटाइप्स यहां प्रेजेंट है ठीक है अब हमें यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है ध्यान से देखना मुझे यहां से एक इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि यहां टोटल इंडिविजुअल्स या टोटल जीनोटाइप तीन दिख रहे हैं टोटल इंडिविजुअल्स या टोटल जीनोटाइप्स हैं वो तीन दिख रहे हैं अब मुझे यहां पर टोटल जीन कितने दिख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे. तो या तो मैं टू इंटू थ्री कर दूं या छ कर दूं एक ही बात है क्लियर हो गया ये बात या तो सिक्स लिख दो या टू एन लिख दो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मुझे यह पता है कि यहां टोटल एलिल छह है तो यहां से मैं दो कैलकुलेशन कर सकता हूं और वो कैलकुलेशन है एलिल फ्रीक्वेंसी एलिल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले भी एक बार फ्रीक्वेंसी का मीनिंग बताया था जब मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। एक क्लासरूम है उसमें हंड्रेड स्टूडेंट्स बैठे हैं पहली सीट पे एक लड़की बैठी है तो उसके बाद में फिर से एक लड़की बैठी है तो लड़की रिपीट हो गई वापस से गर्ल 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 फिर बॉय बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसे बैठे हुए हैं रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है किसी का टोटल में से कोई एक कितना बार रिपीट हो रहा है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी जैसे 100 में से 60 टाइम्स गर्ल्स रिपीट हुई तो गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 60 अपॉन हंड्रेड आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी टाइप्स द रिपीटेशन इज प्रेजेंट उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी यहां पर टोटल एलिल्स हैं सिक्स।, सिक्स में से कैपिटल ए कितनी बार रिपीट हुआ यहां कैपिटल ए इसी जीनोटाइप में कैपिटल ए रिपीट हो गया फिर दूसरे जीनोटाइप में फिर से कैपिटल ए रिपीट हो गया मेरी बात समझ में आई आपको तो क्या पता लगा हमें यहां से हमको यहां से एलिल फ्रीक्वेंसी का पता लग गया कैसे एक छोटा सा फॉर्मूला बस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एक छोटा सा डिवीजन है इस डिवीजन के अंदर करते क्या है टोटल में से रिक्वायर्ड लेते हैं जैसे यहां पर बात करते हैं अपन एलिल फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑल एलिल्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन इन ऑल इंडिविजुअल्स सारे इंडिविजुअल्स में एक पर्टिकुलर एलील के कितने जीन हैं? ये रहे समझ में आया ये अब आपको कैपिटल ए का रिपीटेशन देखना है या स्मॉल ए का वो आपकी मर्जी है क्या कर दोगे यहां पे? टोटल नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर एलिल इन ऑल इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स देखो ये बन गया हमारे पास में फॉर्मूला कि आपको टोटल एलिल्स में से ए पर्टिकुलर एलिल यानी या तो कैपिटल है या स्मॉल है सो so, अब हम क्या कर सकते हैं ढंग से फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए ध्यान रखना मेरी बात को कि अगर हम जेनेटिक्स में जीन की बात करें और एलिल की बात करें तो जीन और एलिल डिफरेंट होते हैं मतलब डिफरेंट इन द सेंस उनको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होते हैं हम ये कहें कि ए जीन है और हम ये कहें कैपिटल ए एलिल है तो थोड़ा सा मतलब अलग निकलता है ठीक है वैसे दोनों तो है ही डीएनए सेम ही चीज है एवोल्यूशन के अंदर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते जीन और एलिल के ऊपर हम चलते चलते कह देते हैं जीन फ्रीक्वेंसी हम कह देते हैं एलिल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ऐसे ध्यान नहीं दिया जाता रफली अपन जीन फ्रीक्वेंसी या एलिल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हां जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी अलग बात है जीनोटाइप मतलब इंडिविजुअल्स अभी वो भी बात करेंगे पहले यहां समझो हमारे पास में एलिल फ्रीक्वेंसी का मतलब निकल गया टोटल में से काम के एलिल्स कितने हैं जो हम पॉपुलेशन के अंदर देख रहे हैं नाउ अगर बात करें कैपिटल ए की तो हम ये कहेंगे टोटल एलिल्स ऑफ ए जीन ए जीन के टोटल कितने एलिल्स हैं चाहे वो कैपिटल ए हो चाहे वो स्मॉल ए हो और टोटल कैपिटल ए एलिल्स ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इसी के अनुसार आप फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए निकाल सकते हो क्या करना है बस एक तो टोटल एलियल्स ऑफ सॉरी ऑफ ए जीन ए जीन के टोटल एलियल्स कितने हैं और इसमें से आपको अब क्या करना है टोटल स्मॉल ए एलिन कितना है वो कैलकुलेट करना है ये निकल जाएगा आपके पास में स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी यहां से एक छोटी सी बात और करते हैं हमको यह पता है कि क्लासरूम के अंदर या तो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं। हंड्रेड टोटल नंबर है मान लो अगर मैं आपसे यह कहूं क्लासरूम में हंड्रेड में से सिक्सटी गर्ल्स हैं, तो सेल्फ अंडरस्टूड है बाकी कौन है बॉयज है इसका मतलब कि सिक्सटी प्लस फोर्टी हंड्रेड आता है तो वैसे ही ये जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में ए जीन के दो ही एलिल है या तो कैपिटल ए है या स्मॉल ए है तीसरा तो है नहीं तो यदि मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए कर दूं तो मेरे पास आना चाहिए आंसर वन यानी ए प्लस स्मॉल ए वन होता है तो आप ऐसे तो एक की फ्रीक्वेंसी निकाल लो तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी आराम से निकल जाएगी कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए वन होता है तो स्मॉल ए कैपिटल ए वन माइनस स्मॉल ए और स्मॉल ए वन माइनस कैपिटल ए आसानी से होगा कि नहीं होगा आगे बात करते हैं यह फॉर्मूला आप अगर लिख लो समझ लो तो अब हम इस पॉपुलेशन में स्मॉल ए और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पता लगाते हैं और ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस हो गया हार्ड इविनवर्ग यहीं पे पूरा उसके बाद में तो थ्योरी बचती है हार्ड इविनवर्ग में ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इतना ही होता है काम का चलो देखो यहां पे हमने यहां पे बात करी कि हमारे पास टोटल एलियंस सिक्स है अगर हम बात करें टोटल कैपिटल ए कितने हैं और हम बात करें टोटल स्मॉल ए कितने हैं तो देखो ये तो है छोटी सी पॉपुलेशन छोटी सी पॉपुलेशन में तीन ही जीनोटाइप हैं ये लिखे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो आप एक एक जीनोटाइप में इंडिविजुअली काउंट कर सकते हो एक कैपिटल ए दूसरा कैपिटल ए तीसरा कैपिटल ए तीन कैपिटल ए हैं तो अब छह में से तीन कैपिटल ए हैं तो तीन क्या है स्मॉल ए आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो ऐसे करके सो यहां पर आपके पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कितनी आएगी टोटल में से तीन कैपिटल ए है 0.5 और आपके पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए कितनी आएगी 0.5 आएगी है कि नहीं कितना आसान है ये अब एक काम करते हैं एक थोड़ी सी बड़ी पॉपुलेशन लेते हैं मान लो ये पॉपुलेशन है यह हमारे पास में पॉपुलेशन है एक तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि टोटल जीनोटाइप कैलकुलेट करने टोटल जीनोटाइप्स। कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ठीक है टोटल जीनोटाइप्स टेन है दूसरा अगर आपको टोटल जीनोटाइप्स टेन मिल गए तो टोटल एलिल्स कैलकुलेट करते हैं टू इंटू टेन बराबर ट्वेंटी ठीक है तीसरा अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना है टोटल कैपिटल ए और फिर कैलकुलेट करना है टोटल स्मॉल ए वापस से पॉपुलेशन कोई खास बड़ी पॉपुलेशन नहीं है आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन कैपिटल ए है आसानी से पता कर सकते हो फिर बाद में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन स्मॉल ए है आसानी से पता कर सकते हो तो यहां तो आराम से हो गया अब ध्यान से देखना एग्जाम के अंदर आपको कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं देंगे जिसमें दो मेंबर है चार मेंबर है दस है एग्जाम में ऐसा नंबर आएगा जैसे साठ मेंबर सो मेंबर हजार मेंबर दो पांच सौ तो वो हर मेंबर का जीनो टाइप तो नहीं लिखेंगे क्या कर सकते हैं अपन यहां पर मुझे ये चारों के चारों कैपिटल ए ए कैपिटल दिख रहे हैं मुझे ये दो कैपिटल ए स्मॉल ए दिख रहे हैं और मुझे ये चार स्मॉल ए ए स्मॉल दिख रहे हैं तो मैं इसी पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कैपिटल ए कैपिटल ए वाले चार इंडिविजुअल्स हैं कैपिटल ए स्मॉल दो इंडिविजुअल्स हैं और स्मॉल ए स्मॉल वाले चार इंडिविजुअल्स हैं तो कर लिया मैंने टोटल टेन और टेन को दो से मल्टीप्लाई कर सकता हूं यह बात समझ में आई आपको तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे लिख के डाटा दिए हुए रहेंगे कि भाई इस जीनोटाइप के इतने मेंबर इस जीनोटाइप के इतने मेंबर्स अभी अपन और बात करते हैं इसी पॉपुलेशन के ऊपर थोड़ा समझते हैं फिर थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे फिर आगे हार्ड वर्क प्रिंसिपल क्या हमको एक्सप्लेन करना चाहता है वो भी बात करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी <coughs> <coughs> सॉरी पॉपुलेशन निकल के आई जिसमें ये चार मेंबर हैं ये दो मेंबर हैं और ये चार मेंबर हैं ऐसे ही थे अब हमें यहां से टोटल कैपिटल ए कैलकुलेट करने हैं तो टोटल कैपिटल ए कैलकुलेट करने का तरीका देखो अगर मैं ये कहूं कि चार मेंबर्स ऐसे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों मेंबर्स के पास में दो दो कैपिटल ए हैं राइट तो यदि मैं इस चार को दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां आठ कैपिटल ए इन चार के पास में है वो आसानी से आ जाएगा तो हमको एक काम करना है हमें क्या करना है जो होमोजाइगोट्स होते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए वाले होमोजाइगोट्स एक होमोजाइगोट के पास में दो कैपिटल कैपिटले हमारे पास में टोटल चार होमोजाइगोट्स हैं इसलिए हम यहां इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे एक होमोजाइगोट के पास में दो ए होते हैं तो टोटल तो तो होमोजाइगोट्स कितने हैं चार तो इनको हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा आगे देखिए अभी इस पॉपुलेशन के अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए भी बचे हैं ये हेट्रोजाइगोट है एक कैपिटल ए ए के पास में एक कैपिटल ए है तो दूसरे कैपिटल ए ए के पास दूसरा कैपिटल ए है इसका मतलब यह हुआ कि हेट्रोजाइगोट के पास में एक ही कॉपी है कैपिटल ए की एक ही कॉपी है स्मॉल ए की तो जितने हेट्रोजाइगोट्स होते हैं उनको उतना ही लिख देते हैं या हम चाहो तो एक से मल्टीप्लाई भी करके ऐसे लिख सकते हो पर कोई फायदा थोड़ी एक से मल्टीप्लाई करके दिखाने का तो हम जितने हेट्रोजाइगोट होते हैं उनको कैपिटल ए स्मॉल ए लिख देते हैं आ रही बात समझ में क्यों लिखा मैंने क्योंकि एक कैपिटल ए स्मॉल ए के पास एक ही कैपिटल ए है अभी हम कैपिटल ए की बात कर रहे हैं तो दो कैपिटल ए स्मॉल ए के पास में दो कैपिटल ए हो जाएंगे इनके पास तो कैपिटल ए है नहीं तो इनको तो हम कैलकुलेशन में लेंगे भी नहीं अब क्या बचा हमारे पास में हमारे पास में ये आ गया टोटल कैपिटल ए अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कैलकुलेट करें फॉर्मूला भी पीछे लिखा ही था टोटल कैपिटल ए डिवाइडेड बाय टोटल टोटल एलियोटल कितने टू एन टू इंटू टेन कर देंगे ट्वेंटी आ जाएंगे करके देखो ऐसे आ रहा है क्या कैपिटल कैपिटल एक के पास दो कैपिटल के पास आठ प्लस एक A A के पास एक ही कैपिटल ऐसे दो मेंबर्स हैं तो दो कैपिटल यहां पर भी हैं इनके पास में भी दो कैपिटल डिवाइडेड बाय यहां एन की वैल्यू आती है टेन तो टोटल एलियस 20 देखो देखे आया क्या 10 बाई ट्वेंटी पॉइंट आ गया आंसर बिल्कुल ऐसे ही करना है इसी के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए भी निकाल सकते हो या तो 1 माइनस पॉइंट कर दो या फिर एक स्मॉल स्मोले के पास दो स्मोले तो ऐसे टोटल मेंबर्स के पास में दुगुने स्मोले हो जाएंगे उसके बाद में एक कैपिटल स्मोले के पास एक स्मोले तो जितने हेट्रोजाइगोट है उतने स्मॉल है और टोटल एल टू एन इसको दो से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला क्या करना है टू इंटू फोर प्लस टू आएगा आपका क्योंकि हमने एग्जाम्पल ऐसा ही लिया था जिससे हम आसानी से देख सके सीख सके तो हो गया हमारे पास में इतना ये तो हो गया सिंपल सा एक एग्जाम्पल एक अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं हार्डी विनवर्क के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है बहुत ईजी तो है ही साथ ही साथ आपको तरीके से काम करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर जब भी हार्डी विनवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए कि उस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको साइड में लिखो और देखो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो वो ऐसे ही तो निकलेगा जैसे हमने अभी देखा क्या चाहिए हमें मोजाइगोट चाहिए टोटल करना है कैपिटल ए वाला एलिल है उसकी फ्रिक्वेंसी पता करनी स्मॉल ए की पता करनी, बस तरीका तो वही है होना तो सब कुछ वही है तो फिर हमें करना क्या है हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको साइड में लिखना है जैसे आपको एक क्वेश्चन के अंदर बड़ी सी लैंग्वेज देंगे और कहेंगे कि इस क्वेश्चन में डोमिनेंट होमोजाइगोट वालों का नंबर है हंड्रेड इस पॉपुलेशन में हेट्रोजागोट का नंबर है 50 और इस पॉपुलेशन के अंदर इस रिसेसिव होमोजाइगोट्स का नंबर है 50 बताओ यहां पॉपुलेशन में कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है तो आपको क्या करना है पहले तो डाटा को ऐसे लिख लेना है क्योंकि हमारा अल्टीमेट मकसद ये जानना है कि उसमें कैपिटल ए कितने हैं और उसमें स्मॉल ए कितने हैं यह जानना हमारा मकसद है तो हमने उस पूरे क्वेश्चन में से यह एक्सट्रैक्ट कर लिया अब अब आपको एक छोटा सा काम करना है आपको टोटल कैपिटल ए काउंट करने हैं और टोटल स्मॉल अकाउंट करने हैं आपको जैसे ही ऐसे क्वेश्चन दिखे तो दो तीन काम बिना सोचे समझे कर लेना पहला काम इनका टोटल लगा देना और इसको कर देना टोटल जो भी आए आपका ये टोटल लिख लेना एक चीज किया आपने अब हमको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है मान लो ये एक बार मैं कैपिटल ए का लिखता हूं टोटल कैपिटल ए डिवाइडेड बाई टू एन है हमारा फॉर्मूला एन नहीं है टू एन है तो इसको आप यहां ही दो से मल्टीप्लाई करके फोर हंड्रेड लिख लेना देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं सिली मिस्टेक्स यहीं पे होती है अमूमन हम एग्जाम के अंदर ये दो से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं तो मेरी राय मानो तो यही करना जैसे ही ये लिखा टोटल करना टोटल करते इसको यही दो से मल्टीप्लाई करके 400 लिख लेना अब आगे की कैलकुलेशन में और क्या करना है एक कैपिटल ए कैपिटल ए में दो कैपिटल है तो इन टोटल में कितने हैं एक चीज ये जो दूसरा होमोजाइगोट है उसको भी दो से मल्टीप्लाई करना है नाउ ये जो 50 है इन 50 के अंदर आपको पता है कि 50 तो कैपिटल ए है 50 स्मॉल ए है इस 50 को आपको एक से मल्टीप्लाई करके प्लस 50 तो यहां लिख देना है और प्लस 50 यहां लिख देना है इतना काम कर लेना आप कैसे क्यों किया मैंने ये समझ में आ गया इन 50 इंडिविजुअल्स में 50 कैपिटल ए है तो हम यहां कैपिटल ए को काउंट कर रहे हैं 200 तो यहीं पे हो गए 50 इनमें है तो 250 और इन कैपिटल स्मॉल इन कैपिटल ए स्मॉल ए में 50 स्मॉल ए भी है तो हमने यहां पे 50 लिख लिए अब हमारे पास में ये टोटल कैपिटल ए ये टोटल स्मॉल ए अब फॉर्मूला में 250 डिवाइडेड बाय 400 करने जितना ही बचा है क्या करेंगे हम कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पता करनी हो तो हमको टू इंटू कैपिटल ए कैपिटल ए प्लस कैपिटल को अगर आप वैसे apply करोगे तो आपको टू इन टू हंड्रेड प्लस फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू 100 हंड्रेड करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव करके कुछ आएगा इससे अच्छा अगर आपने शॉर्टकट में ये सारा यहीं पे कर लिया और क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है वरना आप खुद भी समझ सकते हो ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये इतना कर लिया तो आप तो यही कर लो 250 फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर और ये 150 फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर हालांकि एक फ्रिक्वेंसी अगर निकल जाए तो दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में टाइम बचाना है वन में से माइनस कर दो तो ये बताओ ये क्या आएगा करके देखो एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं उसका करके देखो जरा क्या आता है आंसर करना जरा आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पीपल विथ ब्लड ग्रुप एम एम एन और एन एक एम ब्लड ग्रुप होता है एक एम एन ब्लड ग्रुप होता है और एक एन ब्लड ग्रुप होता है और आपको दे रखा है कि ये वाले लोगों की संख्या है एक हजार सात सौ इतने लोग हैं इनकी संख्या है तीन हजार उनचालीस थ्री थाउजेंड एंड थर्टी नाइन ये है वन थ्री जीरो थ्री इसको सॉल्व करो जो सॉल्व कर रहे हैं कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छे जो नहीं कर पा रहे हैं वो जरा ध्यान से सुनो वीडियो देखो अब हमें ये दे रखा है ब्लड ग्रुप का टाइप एम ब्लड ग्रुप एम एन ब्लड ग्रुप एन ब्लड ग्रुप और ऊपर लिखा है पीपल पीपल का मतलब जीनोटाइप, पीपल का मतलब एक में दो एल एम ब्लड ग्रुप तब आता है जब दोनों एलिल्स एम एम हो तो एम ब्लड ग्रुप आता है इसका मतलब इतने लोग ऐसे हैं जिनमें दोनों एम है एम एन ब्लड ग्रुप तब आता है जब एक एम हो और एक एन हो मतलब इतने लोग ऐसे हैं जिनमें एक एम है एक एन है एन ब्लड ग्रुप तब आता है जब दोनों एन हो तो इसका मतलब इतने लोग ऐसे हैं जिनमें दोनों एन है अब आपको एक तो टोटल करना है इसको दो से मल्टीप्लाई इसको एक से मल्टीप्लाई इसको दो से मल्टीप्लाई जो आंसर आए इसको यहां प्लस यहां प्लस इस नंबर को और आप ही बताओ मेरे को अब कि एम और एन की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी एम और एन की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी चलिए आगे मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं <laughs> <laughs> एक हमारे पास में पूछने को पूछ सकते हैं एक तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है टोटल जीनोटाइप्स कितने हैं और इनमें से पर्टिकुलर जीनोटाइप कितना है बस वही जैसे हमने अभी किया था जैसे ये पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में एक कैपिटल ए कैपिटल ए एक कैपिटल ए स्मॉल ए एक स्मॉल ए स्मॉल तो आपको यहां क्या दिख रहा है टोटल जीनोटाइप्स कितने हैं तीन तीन में से कैपिटल ए कैपिटल ए कितने हैं एक कैपिटल ए स्मॉल ए कितने हैं हैं स्मॉल स्मॉल ए ए कितने एक. हमें यहां इस बार जीन की नहीं जीनो टाइप की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो जीनो टाइप की फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हो गया अब टोटल जीनो में से जो हम पढ़ना चाहते हैं वो जीनो टाइप. यही तो मीनिंग हुआ ना फ्रीक्वेंसी का तो यही मतलब होता है तो कैपिटल ए जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तीन में से एक कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तीन में से एक स्मॉल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तीन में से एक ये हो गया हमारे पास तीन तरीके की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अब हम बात करते हैं हार्ड विनवर्क प्रिंसिपल की वैसे तो हो गया हार्ड विनवर्क प्रिंसिपल पूरा कंप्लीट बस वही कैलकुलेट करना अपने को अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट टाइप बचता है देखते हैं क्या है सो so, हम अभी पढ़ेंगे हार्डी विनबॉग प्रिंसिपल हार्डी विनबॉग प्रिंसिपल कैसे हम डिराइव करें इक्वेशन को क्या करना है अप्लाई करना बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों के दोनों मैथमेटिशियन थे और इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी क्या है वो कैलकुलेशंस एक बार हम बात करते हैं सिंपल वे में इनकी कैलकुलेशन मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंडेंट थी तो पहले हम एक बार मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो रिवाइज करते हैं मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है ये क्रॉस देखते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये है कि एक पेरेंट है कैपिटल टी कैपिटल टी इसका क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी से कराया जाता है अभी एक बार फिनोटाइप क्या है कौन टॉल है कौन जो है वो ड्वार्फ है एफ वन में क्या जीनोटिपिक रेशियो आता है सब छोड़ देते हैं बात करते हैं एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी स्मॉल टी है इनसे बनती है कैपिटल टी स्मॉल टी एफ वन नाउ इस एफ वन की जब सेल्फिंग कराते हैं तो एफ टू के अंदर हमारे पास एक कैपिटल टी कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी एक और कैपिटल टी स्मॉल टी एक स्मॉल टी स्मॉल टी और अब हमें यहां जीनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिलता है वो ये है वन टू वन एक है कैपिटल टी कैपिटल टी ये रहा दो है हमारे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी ये रहे एक है स्मॉल टी स्मॉल टी ये रहा क्लियर ये है मेंडल का सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस अब बात करते हैं हार्डी विनवॉग के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करेंगे हार्डी विनबर्ग मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हार्डी विनबर्ग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पहली बात कि हार्डी एंड विनबर्ग बायोलॉजिस्ट नहीं थे तो उन्होंने कैपिटल और स्मॉल वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया एल के लिए क्योंकि हम तो हर जीन के लिए अलग सिंबल इस्तेमाल करते हैं कोई टी जीन है कोई आर जीन है कोई वाई जीन है कोई डब्ल्यू जीन है तो यहां पर इन्होंने यह कहा कि जो डोमिनेंट एलिल होगा डोमिनेंट एलिल, उसको हम पी लिखेंगे और जो रिसेसिव एलिल होगा उसको हम क्यू लिखेंगे अब यह चाहे कैपिटल हो टी हो या स्मॉल टी हो या कोई कैपिटल आर हो स्मॉल आर हो हम तो पी एंड क्यू लिखेंगे ठीक है इसके साथ रिवाइज करते हैं एक बार मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस हार्ड इविनवर्क के तरीके से जो कैपिटल टी कैपिटल टी है वो बन गया पी पी जो स्मॉल टी स्मॉल टी है वो बन गया क्यू क्यू जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो बन गया पी क्यू ये बन गई एफ वन राइट इस एफ वन की सेल्फिंग कराएं तो एक बनेगा कैपिटल सॉरी एक बनेगा पीपी एक बनेगा पी क्यू एक और बनेगा पी क्यू एक बनेगा क्यू क्यू ठीक है ये हो गई एफ टू जैसे मैंडल ने एक रेशियो निकाला वैसे ही यहां पर भी एक रेशियो निकल सकता है आसानी से पीपी एक है पी क्यू दो है और ये क्यू क्यू एक है आई बात समझ में अब हार्डी विनवर्ग क्या कहते हैं हार्डी विनवर्ग ये कहते हैं कि ये जो पी पी है टोटल एक दो तीन चार चार में से पी पी है वो पॉइंट टू फाइव है ट्वेंटी फाइव परसेंट बोल दो या पॉइंट टू फाइव बोल दो इनमें से ये जो पी क्यू है वो पॉइंट फाइव है और इनमें से क्यू क्यू है वो पॉइंट टू फाइव है तो टोटल वन आ जाता है ये बात समझ में आई यहां पे अब हार्डी बिंदु कहते हैं कि भाई हम मैथमेटिशियन हैं हम पहले तो ये पता करेंगे कि P की फ्रीक्वेंसी क्या है तो जैसे हमने कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी निकाली पॉपुलेशन में वैसे निकाल लेंगे और एक P के बाद दूसरा P आए तभी तो P एंड P बनेगा जैसे पहला मैंने कैपिट पी रखा तो दूसरा भी अगर मैं पी रखूं तभी तो ये पी पी बनेगा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये जीनोटाइप क्या है पी एल इल एंड पी एल इल राइट right? पीपी जीनो टाइप को ऐसे रीड कर सकते हैं अपन पी एंड पी एल एल एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन तो इस पी पी को पी स्क्वायर लिखा जा सकता है आई बात समझ में यह है दो हमारे पास पी क्यू यह जीनो टाइप कब बनता है जब Q एंड क्यू एल आते हैं तो इसको Q स्क्वायर लिखा जा सकता है इसका मतलब यह जो 0.25 है यह P स्क्वायर है प्लस यह 0.5 है यह दो पी क्यू है प्लस पॉइंट टू फाइव है वो क्यू स्क्वायर है और ये आता है वन ये बन गई हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन होती है वो कैसे डिराइव हुई मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एफ टू जनरेशन से क्लियर कितना सिंपल है आ गई ये बात अब एक और चीज देखते हैं अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर करूं तो हमें पता है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन ध्यान से देखना इस p प्लस क्यू के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस क्यू इक्वल्स टू वन ऐसे लिख सकते हैं अब देखो ये P इस P के साथ जाएगा तो ये बनेगा पी पी ये P इस Q के साथ में जाएगा तो बनेगा पी क्यू ये Q इस P के साथ जाएगा तो बनेगा पी क्यू और ये Q इस Q के साथ जाएगा तो ये बनेगा क्यू क्यू इक्वल्स टू वन इसी को मैं वापस पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन कर दूं, सिंपल है ना ध्यान से देखो क्या किया मैंने मैंने इस p को इस p के साथ भी रखा और इस p को मैंने q के साथ भी रखा यानी मैंने इस q को इस p के साथ भी रखा और इस q को इस q के साथ भी रखा यहां पे, इसका मतलब ये तो रैंडम मैटिंग करा दी रैंडम मैटिंग की डेफिनेशन क्या थी जब कोई भी इंडिविजुअल मेल है यदि तो वो अपनी पॉपुलेशन के किसी भी फीमेल तक जा सके अप्रोच कर सके देख लो यहां पे ये एलिल इस एलिल के साथ भी आ सकता है ये एलिल इस एलिल के साथ भी आ सकता है ये एलिल इसके साथ भी आ सकता है ये एलिल इसके साथ भी आ सकता है हो रही है रेंडम मैटिंग इस इक्वेशन में ये जो दो लिखा है स्क्वायर में ये रिप्रेजेंट करता है रेंडम मैटिंग को इट रिप्रेजेंट्स रैंडम मैटिंग क्लियर हुई कुछ बातें यहां से तो हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल इक्वेशन आई कैसे आपके सामने है पीपी पी को पी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि पी पी कब बनेगा जब दो पी एक साथ होंगे यानी पी एंड पी एक साथ होंगे चलिए और काम की बातें बताता हूं आपको <coughs> हमारे पास दो चीजें हैं हमारे पास में एक है जीन या एक बार उसको रफली एलिल बोल सकते हैं एवोल्यूशन में ज्यादा कुछ खास बात नहीं है वो है पी और हमारे पास में एक है जीनोटाइप वो है पी पी ध्यान देख लेना ध्यान से अगर सिंपल पी लिखा हो तो वो एलिल की बात कर रहे हैं अगर पीपी लिखा हुआ हो तो वो जीनोटाइप की बात कर रहे हैं अब क्योंकि हमारी जो हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल इक्वेशन थी वो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थी ये हाइब्रिड सॉरी हाइब्रिड नहीं सॉरी एफ टू जनरेशन के ऊपर बेस्ड थी मोनोहाइब्रिड के सिंस हमने यहां पे पॉइंट टू फाइव प्लस पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट टू फाइव इक्वल्स टू वन किया है इसका मतलब हमने P को तो एक बार ही लिया है मतलब PP को एक बार लिया है ये जो पॉइंट फाइव है वो टू पी क्यू का रिजल्ट है और ये जो पॉइंट टू फाइव है वो क्यू स्क्वायर का रिजल्ट है ठीक है तो अब से एक बात ध्यान रखो यदि आपको P की फ्रीक्वेंसी दी हुई हो जैसे सपोज पी दे रखा है पॉइंट सेवन तो आपको पता है Q क्या होगा वन माइनस पॉइंट सेवन इक्वल्स टू पॉइंट थ्री यही होगा हमेशा याद रखना कि अगर पी की फ्रीक्वेंसी पॉइंट सेवन है तो आपको होमोजाइगोट बनाने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को दो से मल्टीप्लाई करना है क्लियर अगर Q की फ्रीक्वेंसी 0.3 है तो आपको यानी क्यू यानी स्मॉल t या Q स्क्वायर करने के लिए इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है आ रही बात समझ में अब जो एक गलती बच्चे ज्यादातर करते हैं आपको बनाना है पी क्यू PQ। पी क्यू ज्यादातर लोग क्या करते हैं पी क्यू देखा तो एक बार पी की फ्रीक्वेंसी एक बार क्यू की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी और मल्टीप्लाई करके ये कर दिया 0.21, ठीक है तो एक बात सोचो कि इस पॉपुलेशन में तीन जीनोटाइप पॉसिबल है या तो पी पी या पी क्यू या क्यू क्यू तीन ही तो जीनोटाइप पॉसिबल है ना जैसे एक क्लास में दो तरीके के जेंडर पॉसिबल है गर्ल बॉय तो अगर गर्ल्स सिक्सटी है तो रिमेनिंग क्या हुए बॉय इसका मतलब गर्ल्स प्लस बॉय वन आना चाहिए तो जब एक पॉपुलेशन में तीन जीनोटाइप पॉसिबल है तो तीनों का प्लस वन आना चाहिए ना देखो वन आ रहा है क्या नो और नो 18, एक उन्नीस पांच और दो सात ये तो वन नहीं आया क्यों वन नहीं आया क्योंकि आपने गलती करी क्या गलती करी आपने पी क्यू को ऐसे कैलकुलेट किया नहीं हमेशा याद रखना पी क्यू दो होते हैं इस हाइब्रिड क्रॉस के अंदर तो आपको पी क्यू हमेशा दो से मल्टीप्लाई करके बनाना है भूल मत जाना ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं एक बार हैबिचुअल हो जाओगे फिर गलतियां नहीं होगी पी दिया हुआ हो तो पी पी सिंपली बन सकता है क्यों क्योंकि ये एक बार आता है इसलिए हमने इसको एक ही बार मल्टीप्लाई किया है वन से ये भी एक बार आता है लेकिन जो पी क्यू होते हैं वो दो बार आते हैं इसलिए आपको दो से मल्टीप्लाई करना है अब आपको इसका आंसर देखो वन मिलेगा आई बात समझ में तो हमेशा याद रखना अगर हेट्रोजाइगोट दिया हुआ हो पूछा हो सॉरी सॉरी पूछा हो हेट्रोजाइगोट पूछा हो तो हेट्रोजाइगोट हमेशा 2pq से ही कैलकुलेट करना हेट्रोजाइगोट को 2pq से कैलकुलेट करना है क्लियर हो गया ये ठीक है अब और बातें करते हैं अगर हम छोटी छोटी और बातें करें अगर हम एक डिप्लॉयड पॉपुलेशन की बात करें उसमें एक जीन के दो एलिल है फॉर टू एलिल्स जैसे एक एलिल है P और एक एलिल है Q, ठीक है फिर मान लीजिए कि अगर हमने दो एलील की बात करी तो हार्डी विनवर्ग इक्वेशन क्या बनेगी P प्लस क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन यही बनेगा ना अगर तीन एल हो तो फॉर थ्री एलिन जैसे हमारे पास में ब्लड ग्रुप है एग्जाम्पल एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप अब एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमने क्या किया एक एल लिया आई ए एक लिया आई बी एक लिया आई ओ, एक को पी कर दो एक को क्यू कर दो एक को आर कर दो हमेशा टोटल तो, टो तो प्रपोर्शन में वन ही आना चाहिए तो अब यही हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर क्या आएगा पी स्क्वायर पी पी के साथ जा सकता है क्यू क्यू के साथ जा सकता है आर आर के साथ जा सकता है एक तो ये तो बन गए होमोजाइगोट्स होमोजाइगोट बने ना अब हेट्रोजाइगोट बनाओ पी एंड क्यू हेट्रोजाइगोट बन सकते हैं तो 2PQ। पी एंड आर भी तो हेट्रोजाइगोट बन सकते हैं तो 2PR कर दो 2PR। और क्यू एंड आर भी तो हेट्रोजाइगोट बन सकते हैं तो 2QR। ये भी वन आना चाहिए ये तीन एलिल के लिए होगी ध्यान से समझ लेना ये बात ठीक है ना कि भाई तीन एलिल है तो ये इक्वेशन बनेगी टोटल तो वन ही आएगा वन से ज्यादा नहीं करना है अब एक छोटा सा काम करो मुझे बताओ फोर एलिल्स अगर हो तो क्या इक्वेशन बनेगी जैसे रैबिट्स के अंदर जो कोट कलर है चिंचिला है हिमालयन है इंटरमीडिएट है एल्बिनो है उसको कंट्रोल करने के लिए फोर एनिल होते हैं तो एक को P मान लिया एक को Q मान लिया एक को R मान लिया एक को S मान लिया तो इक्वेशन क्या बनेगी कर करके कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो जरा फिर देखते हैं आगे हम न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं और क्या क्या बातें हैं तो ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका मैं आपको और चीजें बताता हूं अगर आपको P की फ्रीक्वेंसी दी हुई हो और आपसे कहा जाए कि P स्क्वायर कैलकुलेट करो यानी जीनो टाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो तो हमारे पास में जीन या एलिल, ये तो है P और जीनो टाइप कौन है पी पी अगर आपसे कहा जाए कि पी की फ्रीक्वेंसी 0.5 है तो आप क्या करोगे 0.5 पॉइंट फाइव इंटू करके 0.25 कर सकते हो तो यदि आपको पी पी की फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो आप पी पी को अंडर रूट करके पी की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो यह चीज ध्यान रखना बस तो PP का आपको अंडर रूट लेना है जीनो टाइप फ्रीक्वेंसी यदि दी हुई हो तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी से आपको अंडर रूट लेकर के पहले तो एलिल फ्रीक्वेंसी पता करनी है फिर आपको एलिल की फ्रीक्वेंसी को वन में से माइनस करके दूसरे एलिल की फ्रिक्वेंसी पता करनी है एक और बात करते हैं हमारे पास अगर एक डिप्लॉयड पॉपुलेशन है डिप्लॉइड पॉपुलेशन डिप्लॉइड पॉपुलेशन एंड जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम जीन इज एक्स लिंक्ड, ठीक है तो अब क्या होगा अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें जीन है वो एक्स क्रोमोजोम पे है तो ध्यान से देखो एक फीमेल है वो फीमेल ऐसी हो सकती है ना उसके दोनों एक्स पे पी हो फीमेल तो ऐसी भी हो सकती है जिसके एक एक्स पे पी हो दूसरे के ऊपर क्यू हो फीमेल ऐसी भी हो सकती है जिसके एक्स पे पी हो और सॉरी दोनों एक्स पे क्यू क्यू हो आई बात समझ में ऐसे केस में जो फीमेल होती है उस फीमेल के लिए हार्डी विनवर्ग इक्वेशन यही बनती है जो ऑटोजोम्स के लिए बनती है यानी पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू वन यानी कि ये इक्वेशन बन गई एक बार इतनी लिखो क्योंकि फीमेल में तीनों तरीके की पॉसिबिलिटी है होमोजाइगोट्स भी हैं और हेट्रोजाइगोट्स भी हैं। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो या तो मेल ऐसा होगा P वाला या ये मेल है वो होगा Q वाला इसलिए मेल P और Q दो ही पॉसिबिलिटी है तो डिप्लॉइड पॉपुलेशन और जीन एक्स पे हो तो पॉपुलेशन में ये तो इंडिविजुअल फीमेल्स कितने टाइप की हो सकती है मेल्स कितने टाइप के हो सकते हैं हम बात करते हैं इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन में तो मेल्स भी होती हैं फीमेल्स भी होती हैं तो मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर यह तो आ गई फीमेल के लिए प्लस मेल के लिए p प्लस क्यू इक्वल टू वन यह याद करना और ये क्यों आया आपके सामने एक्सप्लेनेशन है जी नेक्स्ट पे है तो तीन तरीके की फीमेल हो सकती है तो फीमेल के लिए तो यही इक्वेशन काम आएगी और मेल दो टाइप के हो सकते हैं पॉपुलेशन में, में मेल प्लस फीमेल दोनों होते हैं तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी नाउ एक और केस हमने अभी बात करी है डिप्लॉइड पॉपुलेशन की अगर पॉलीप्लॉइड पॉपुलेशन हो तो जैसे कोई पॉपुलेशन है वो टेट्राप्लॉइड है टेट्राप्लॉइड पॉपुलेशन ध्यान से देखो फॉर टेट्रा वैसे तो देखो ह्यूमन बीइंग तो कभी टेट्राप्लॉइड हो नहीं सकते इसलिए ये यहां ह्यूमन से रिलेवेंट है नहीं प्लांट्स हो सकते हैं प्लांट्स के लिए हार्डी विनवर्ग इक्वेशन हम प्रैक्टिकली यूज करते ही नहीं है बट थ्योरिटिकली देख लेते हैं क्या है टेट्राप्लॉइड पॉपुलेशन का मतलब यह हुआ कि एक पेरेंट वन है उसके पास ए जीन के चार एलिल हैं चारों कैपिटल है दूसरा पेरेंट है उसके पास में इस चारो ए है डिप्लॉइड पॉपुलेशन में एक जीन के दो एलिल होते हैं तो टेट्राप्लॉइड में एक जीन के चार एलिल हो गए, ये चार ये एफ चार। वन क्या बनेगा एफ वन बनेगा कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए दो कैपिटल ए दो स्मॉल बन गया इसकी सेल्फिंग कराएंगे आपको एफ <coughs> टू <coughs> में क्या मिलेगा जीनोटाइप अभी अपन फिनोटाइप की बात ही नहीं कर रहे आपको यहां F2 का जीनोटाइप वैसा ही मिलेगा जैसा हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा था कि एक से ज्यादा जीन्स जब एक साथ आते हैं तो उनका फिनोटाइप जीनोटाइप में कितने डोमिनेंट एलिल है उस पर निर्भर करता है चार में से चार डोमिनेंट चार में से तीन डोमिनेंट चार में से दो डोमिनेंट चार में से एक डोमिनेंट चार में से जीरो डोमिनेंट यहां पर भी वही, वही कॉन्सेप्ट है यहां पर जीनो में चारों के चारों कैपिटल ए होंगे या तीन कैपिटल ए होंगे या दो कैपिटल ए होंगे या एक कैपिटल ए या जीरो कैपिटल ए तो हमको यहां पर चार में से चार कैपिटल ए चाहिए चार में से तीन कैपिटल ए चाहिए चार में से दो कैपिटल चाहिए चार में से एक कैपिटल ए चार में से जीरो कैपिटल ऐसे इंडिविजुअल्स कितने होंगे ऐसे इंडिविजुअल्स कितने होंगे ऐसे इंडिविजुअल्स कितने होंगे ऐसे इंडिविजुअल्स कितने होंगे और ऐसे इंडिविजुअल्स कितने होंगे चाहो तो टेबल बना के देख लेना यही रिजल्ट आएगा आपके सामने आई बात समझ में अब इसको कहते हैं होमोजाइगोट चारों कैपिटल है इसको भी कहते हैं होमोजाइगोट चारों स्मॉल है लेकिन ये हेट्रोजाइगोट है एक भी अगर डिफरेंट है तो वो हैट्रोजाइगोट है हमने अभी हार्डी विनवर्ग इक्वेशन डिप्लॉयड पॉपुलेशन के लिए क्या पढ़ी थी कि हेट्रोजाइगोट को हम दो से मल्टीप्लाई करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि हमारे F2 के अंदर दो हेट्रोजाइगोट आते हैं तो दो से मल्टीप्लाई किया यहां देखो चार हेट्रोजाइगोट आ रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी को चार से मल्टीप्लाई करेंगे यहां छह हेट्रोजाइगोट आ रहे हैं तो छह से मल्टीप्लाई यहां चार आ रहे हैं तो चार से मल्टीप्लाई आई बात समझ में तो आपको क्या करना है जैसे मैं ये कहूं कि जो ए है वो पी है ए जो है वो पी है और जो स्मॉल ए है वो क्यू है मान लो तो आपके पास में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी पी की पावर चार पी एंड पी एंड पी एंड पी समझ में इसको एक से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये एक आता है आपके पास में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी तीन तो आपके पास में पी है एक आपके पास क्यू है लेकिन अब आप इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते यहां दो से मल्टीप्लाई क्यों किया उसी कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने ये बनते हैं चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके पास में कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी पता लगानी है दो तो पी है पी स्क्वायर दो क्यू है क्यू स्क्वायर लेकिन ऐसा नहीं छोड़ सकते छह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके पास में कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल है भाई एक है पी तो ये पी तीन है क्यू तो क्यू क्यूब और इसको आप ऐसा नहीं छोड़ सकते चार बनते हैं तो चार से मल्टीप्लाई आपके पास स्मॉल 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 Q की पावर फोर और इनको आपको एक से मल्टीप्लाई करना है आई बात मेरी समझ में क्या है ये चलो आगे बात करते हैं अगर आपको यह चीज समझ में आई है तो अब कुछ थियोरिटिकली बातें बची हुई है वो और कर लेते हैं <coughs> जैसे अगर एक पॉपुलेशन में आप जीनोटाइप फिनोटाइप सॉरी जीनोटाइप जीन फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करो और वो पॉपुलेशन में इस इक्वेशन का रिजल्ट वन आता हो तो हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन हार्डी विनवर्क पॉपुलेशन है या हम ये कहेंगे कि दिस पॉपुलेशन फॉलोज हार्डी विनबर्ग इक्वेशन दिस पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन एक लाइन लिखो इफ ए पॉपुलेशन फॉलोज पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन इट सैड टू बी ए हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन इट सैड टू बी ए हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन एक चीज तो ये हो गई अगर ऐसा आ रहा है तो इस पॉपुलेशन को हम कहेंगे हार्डी विनवर्क पॉपुलेशन दूसरी बात समझो अगर एक पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग ना हो तो किसी एक एलिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है ऐसी पॉपुलेशन इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डेविएट हो जाती है वहां वन नहीं आता फिर कम आने लगता है या ज्यादा आने लगता है अब ऐसी पॉपुलेशन को वापस हार्ड विनवर्क पॉपुलेशन कैसे बनाए तो उसके लिए एक सिंगल टाइम रैंडम मैटिंग हो जाए तो वो पॉपुलेशन वापस हार्डवर्क पॉपुलेशन बन जाती है और उसे हार्ड विनवर्क पॉपुलेशन इक्वेशन से निकलने में कई जनरेशन लग जाती है अब ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आई जो मैंने अभी बोली है तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो यहीं के यहीं छोड़ दो एवोल्यूशन पढ़ेंगे उसके अंदर बार बार ये चीजें आएंगी वापस से वहां क्लियर करूंगा बट लिखो जरूर इसको लिखिए इफ एनी पॉपुलेशन डेविएट्स फ्रॉम हार्डी विनवर्ग इक्वेशन देन ओनली ए सिंगल रैंडम मैटिंग इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस पॉपुलेशन बैक इन टू हार्डी विनवर्ग इक्वेशन एंड इफ ए पॉपुलेशन ंस कम बैक इन टू हार्डी विनवर्क इक्वेशन इट विल टेक सो मैनी जनरेशन टू डेविएट फ्रॉम द इक्वेशन अगेन तो यह बात हो गई अब इसको छोड़ दो आगे बढ़ो अब बात करते हैं हम हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल की क्या कहना क्या चाहते हैं ये फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल यह कहता है कि आप एक बार पूरी पॉपुलेशन में P एंड Q कैलकुलेट कर लो आप पूरी पॉपुलेशन में P एंड Q कैलकुलेट कर लो देखो P प्लस Q भी वन होता है याद है ना तो आप P निकल गया तो वन माइनस क्यू कर सकते हो और Q निकल गया तो वन माइनस पी कर सकते हो हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हार्डी विनवर्ग ये कहते हैं कि आप एक पॉपुलेशन में पी एंड Q कैलकुलेट कर लो यानी पी की फ्रीक्वेंसी Q की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो और अब जो फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करी है वो कई जनरेशन तक चेंज नहीं होगी लेकिन कुछ कंडीशंस होनी चाहिए उस पॉपुलेशन के अंदर अगर एक पॉपुलेशन कुछ कंडीशंस फॉलो करती है तो इस पॉपुलेशन में एलिल फ्रीक्वेंसी कई सालों तक कई जनरेशन तक चेंज नहीं होती क्या कंडीशंस है वो एक एक करके समझेंगे पहले एक लाइन लिखो लिखिए अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड विनबर्ग अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड विनबर्ग द जीन एंड genotype frequency the gene and genotype frequency of each allele remains the same remains the same generation after generation if a population follows following conditions if a population follows फॉलोइंग कंडीशंस अब एक, एक करके लिखो पहली कंडीशन पहली कंडीशन यह है कि रेंडम मैटिंग होनी चाहिए रैंडम मैटिंग रैंडम मैटिंग का मतलब है कि नो मैट चॉइस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जान बूझ कर इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर टाइप के जीनोटाइप वालों के साथ ही मैटिंग करते हो फॉर एग्जाम्पल कि टॉल प्लांट्स को टॉल से ही क्रॉस कराएंगे और ड्वार्फ को ड्वार्फ से ही क्रॉस कराएंगे तो यह तो रैंडम मैटिंग नहीं हुई रैंडम मैटिंग का मतलब जब टॉल का ड्वार्फ से भी क्रॉस हो जाए टॉल का टॉल से भी हो जाए ड्वार्फ का ड्वार्फ से भी हो जाए टॉल का हेट्रोजाइगोड से भी हो जाए इसे कहते हैं रैंडम मैटिंग तो पॉपुलेशन को रैंडम मैटिंग फॉलो करनी पड़ेगी तब वो हार्डी वर्क प्रिंसिपल में आएगी तो पहली कंडीशन समझ में आ गई कि रैंडम मैटिंग होनी चाहिए उस पॉपुलेशन में दूसरी दूसरी पॉपुले दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन है लार्ज पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन साइज विच ज इफेक्टिवली इन्फिनाइट इफेक्टिवली इंफिनाइट साइज अब इसका मीनिंग क्या है इस पूरी लाइन में इफेक्टिवली शब्द पर ध्यान दो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पॉपुलेशन छोटी है रेंडम मैटिंग होगी उसमें लेकिन उससे भी बेटर कंडीशन है कि पॉपुलेशन मैक्सिमम उतनी बड़ी हो जहां तक रेंडम मैटिंग पॉसिबल हो फॉर एग्जांपल, एक पॉपुलेशन इस साइज की है इसमें रेंडम मैटिंग होती है एक पॉपुलेशन इस साइज की है इसमें भी रेंडम मैटिंग होती है एक पॉपुलेशन इस साइज की है इसमें भी रैंडम मैटिंग होती है एक पॉपुलेशन इस साइज की है अब रैंडम मैटिंग नहीं होती इन चारों पॉपुलेशन में से सबसे अच्छी पॉपुलेशन कौन सी है थर्ड वन क्यों क्योंकि यह पॉपुलेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन पॉसिबल है इसे कहते हैं लार्ज पॉपुलेशन विच इज इफेक्टिवली इंफिनाइट साइज इफेक्टिवली इंफिनाइट साइज का मतलब हो गया कि वो पॉपुलेशन मैक्सिमम साइज की लार्ज पॉपुलेशन है जिसमें रेंडम मैटिंग पॉसिबल है इससे बड़ी होगी तो रेंडम मैटिंग नहीं होगी ऐसी पॉपुलेशन को कहते हैं पैनमिक्ट पॉपुलेशन पैनमिकटिक पॉपुलेशन पैन का मतलब होता है लार्ज का मतलब होता है मिक्सिंग मिक्सिंग का मतलब गैमिट्स की मिक्सिंग यानी यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जैसे हम बोलते हैं ना पेंडेमिक डिजीज है कोरोना एक पैंडेमिक डिजीज है जो उसने पूरे वर्ल्ड को अपने चपेटे में ले लिया था पैन का मतलब लार्ज मिक्टिक का मतलब मिक्सिंग भी होनी चाहिए तो ज्यादा बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन साइज जिसके अंदर मिक्सिंग पॉसिबल हो उसे कहते हैं पैनमिक्टिक पॉपुलेशन ठीक है पैनमिक्टिक पॉपुलेशन हो गई अब और बात करते हैं तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन कहती है कि उस पॉपुलेशन के ऊपर कोई सिलेक्शन नहीं लगना चाहिए नो सिलेक्शन प्रेशर कोई सिलेक्शन नहीं लगना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं सेक्सुअल सिलेक्शन भी नहीं क्यों क्योंकि अगर ऐसा सिलेक्शन लगा तो अगेन एक चॉइस सी बन जाएगी नेचुरल सिलेक्शन लगेगा तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी कुछ ही बचेंगे फिर उनके उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी उनको करनी पड़ेगी सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर मेल या फीमेल अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके मैटिंग करता है तो ये तो रैंडम मैटिंग नहीं हुई इसलिए उस पॉपुलेशन पे कोई भी सिलेक्शन प्रेशर नहीं होना चाहिए चौथे केस उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि म्यूटेशन लीड्स टू चेंज इन एलिल फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए अगर म्यूटेशन हुआ तो फिर से गड़बड़ चलो म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए उसके बाद में माइग्रेशन नहीं होना चाहिए ना तो आना चाहिए कोई ना जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई आएगा तो वो कुछ ना कुछ जीन लेके आएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है और कुछ जाएगा तो वो कुछ जीन लेके जाएगा फ्रीक्वेंसी वापस बढ़ या घट सकती है एक और बहुत जबरदस्त फिनोमिन है जिसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट जो हम अलग ही समझेंगे ये जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए नो जेनेटिक ड्रिफ्ट और बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होना चाहिए बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी दो मेंबर्स मिलकर रिप्रोडक्शन करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए जिस पॉपुलेशन में यह सारी कंडीशन फॉलो होती है वो पॉपुलेशन हार्डी विनवर्ग इक्वेशन फॉलो करेगी और वो पॉपुलेशन में एनिल फ्रिक्वेंसी कई जनरेशन तक चेंज नहीं होगी यह हुआ अब समझो एक और चीज तो हार्डिविन वग ये कहते हैं कि हमारी इक्वेशन को फॉलो करने के लिए म्यूटेशन नहीं होना चाहिए सिलेक्शन नहीं होना चाहिए ऐसी नेचर में कोई भी पॉपुलेशन नहीं है जिसके अंदर म्यूटेशन ना होते हो ऐसी नेचर में कोई पॉपुलेशन नहीं है जिसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर ना हो ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं है जिसके ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट ना लग सके जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब समझो रैंडम डेथ किसी की भी डेथ हो जाए सो प्रैक्टिकली ऐसी कोई पॉसिबल पॉपुलेशन नहीं है जो ये सारी कंडीशन एक साथ फॉलो करती हो तो अब क्या किया जाए तो हार्डी विनवर्ग क्या कहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन है जो वर्ल्डवाइड फैली हुई है और ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि चाहे कितना ही सिलेक्शन लगे कितना ही यहां पे म्यूटेशन हो कितनी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो कुछ भी हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए केवल और केवल ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जो एक्चुअली ये इक्वेशन फॉलो कर सकती है इसके अलावा कोई और पॉपुलेशन नहीं है जो हार्डी विनवर्ग इक्वेशन फॉलो करे। सो so, ये चीज हम हार्डी विनवर्ग इक्वेशन हम ह्यूमन पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं तो एक लाइन लिखिए लिखिए प्रैक्टिकली देर इज नो सच पॉपुलेशन प्रैक्टिकली देर इज नो सच पॉपुलेशन Which follows the above conditions, but human population is the only population for which we can carry out the Hardy Winberg equation. Hardy Winberg equation is used to predict gene and genotype frequency. Gene and genotype frequency. It is used to predict the frequency of mutant allele. एंड इट इज यूज इन जेनेटिक काउंसलिंग इट इज यूज इन जेनेटिक काउंसलिंग एक काम करना छोटा सा काम करना आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है देखो एक कैपिटल ए एल इल है <coughs> एक स्मॉल ए एल इल है ठीक है आपको पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो से वन हो सकती है जैसे मान लो कि कोई पॉपुलेशन उसमें सारे ही लोग कैपिटल ए कैपिटल ए है सारे कैपिटल ए कैपिटल ए तो यहां स्मॉल ए जीरो हो गया और कैपिटल ए वन हो गया तो एक पॉपुलेशन में हो सकता है किसी एलिल की फ्रीक्वेंसी जीरो हो और किसी की वन हो अब यदि ए की फ्रीक्वेंसी वन है और इसकी जीरो है तो बताओ पी स्क्वायर क्या होगा टू पी क्यू क्या होगा और क्यू स्क्वायर क्या होगा यदि इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसकी होगा? पॉइंट थ्री है तो क्या होगा पॉइंट सिक्स फोर है तो ये तीनों क्या होंगे पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव है तो ये तीनों क्या होंगे पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स है तो क्या होगा पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन है तो क्या होगा पॉइंट टू पॉइंट एट है तो क्या होगा पॉइंट वन पॉइंट नाइन है तो क्या होगा एंड ये जीरो और ये वन है तो क्या होगा ठीक है इनको कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्लासेस इन्हें कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्लासेस ये फ्रीक्वेंसी क्लासेस है जैसे ये एक क्लास है इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी ये दूसरी क्लास है ये तीसरी क्लास है ये चौथी क्लास है इसको फ्रीक्वेंसी क्लासेस कहते हैं आप हमेशा याद रखना जब दोनों एलिल की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है और एक और चीज याद रखना है p प्लस क्यू इक्वल्स टू वन होना चाहिए ये वन प्लस ना ये वन भी होना चाहिए तो याद ये रखना है कि जब दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है हेट्रोजाइगोट का नंबर पॉपुलेशन में मैक्सिमम होता है हेट्रोजाइगोट टू इंटू पी इंटू क्यू किया पॉइंट फाइव आया करके देखना आप लोग ये टेबल फिल करना जरूर से और याद रखना कि मैक्सिमम हेटरोजाइगोट्स कब पॉसिबल है जब दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर होती है एलिल्स की तभी पॉसिबल है और आप किसी में भी करके देखो आपको 0.5 कहीं नहीं मिलेगा जैसे इससे जस्ट पहले वाली क्लास पॉइंट सिक्स पॉइंट और दूनी 48, 0.48 मिलेगा मैक्सिमम हेट्रोजाइगोड्स आर ओनली पॉसिबल इन द पॉपुलेशन व्हेन बोथ द एल्स आर प्रेजेंट इन इक्वल फ्रीक्वेंसी तो ये हो गया हमारे पास में एक छोटा सा एग्जाम्पल अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़े बहुत बता देता हूं बाकी तो देखो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चलिए आपको देखो एक सवाल दे रखा है मैं पढ़ता हूं इसमें लिखा है द फॉलोइंग जीनोटाइप्स वाइज वर ऑब्जर्व इन ए पॉपुलेशन जीनो टाइप है नब्बे नाइनटी सिक्सटी और ये है फिफ्टी ठीक है तो इससे पहले मैं पूरा सवाल पढ़ूं मुझे पता है कि कुछ तो यहां पर ऐसा करना पड़ेगा तो ये कितने हो गए 200 और चलो यहीं के यहीं कुछ तो बातें लिख लेते हैं इसको दो से मल्टीप्लाई इसको दो से मल्टीप्लाई 180, एटी इसको एक से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है 60 और एक यहां लिखना है 60, ये हो गया मेरे ख्याल से 240, ये हो गया 160, ये लो, इतना तो आ गया आगे पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहता है कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल एच कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी क्या है एंड वट विल बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैपिटल एच कैपिटल एच इन दिस पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन में कैपिटल एच कैपिटल एच का नंबर क्या होगा पहले तो ये देखो अगर यह डाटा है तो कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आ रही है बात समझ में तो कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी आ गई टू फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड कितना आया ये मेरे ख्याल से 0.6 आ गया ठीक है अगर कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी 0.6 है तो एच एच की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 0.6 इंटू जीरो पॉइंट सिक्स तो एच एच की फ्रीक्वेंसी जीरो पॉइंट थ्री सिक्स क्लियर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉपुलेशन में कैपिटल एच कैपिटल एच का एक्सपेक्टेड नंबर क्या है ये तो रियल नंबर है लेकिन इस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए तो इसका भी आंसर बड़ा इजी है कैसे कैपिटल एच कैपिटल एच की फ्रिक्वेंसी 0.36 है इसका मतलब एक मेंबर यदि है तो उसमें से 0.36 कैपिटल एच कैपिटल एच है तो 200 मेंबर्स में से कितने हैं इतने होने चाहिए इस पॉपुलेशन के अंदर बट है 90 वो अलग बात है एच की फ्रीक्वेंसी यदि यह है तो यहां पर इतने ही कैपिटल एच कैपिटल एच होने चाहिए तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉइंट सिक्स एंड सेवेंटी टू अब आपके लिए टास्क मुझे यह बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल एच इन दिस पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्मॉल एच स्मॉल एच एंड कैपिटल एच स्मॉल एच इन सब का एक्सपेक्टेड <coughs> नंबर क्या है कैलकुलेट करो पता करो बताना मुझे है ना कमेंट करके चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आगे लिखा है इन पॉपुलेशन और लिखा हुआ है देखो ए पॉपुलेशन द जीनो टाइप फ्रीक्वेंसी जीनो टाइप फ्रिक्वेंसी आर एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ए वन ए वन ये दे रखी है पॉइंट फाइव नाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वन ए टू दे रखी है आपको और आपको जीरो पॉइंट टू फाइव अब देखो यहां पर कुछ बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं उनको लगता है कि यहां पर ए टू ए टू की फ्रीक्वेंसी 0.25 दे रखी है तो मैं क्यों ना ए टू की फ्रीक्वेंसी अंडर रूट करके 0.5 कर लेता हूं आंसर आ जाएगा बट ये गलत है आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट्स में नंबर दिया है आपको क्या किया इन्होंने टोटल में से ये कितने हैं ये कितने हैं ये जीनो लिखा हुआ है देखो तो आपको यहां कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट में दे दिया ताकि आप इनको एलिल फ्रीक्वेंसी समझो और फटाफट ऐसा आंसर करके लगाओ ऐसा भी ऑप्शन मिल जाएगा एक ताकि आपका गलत होगा तो याद रखो ये कैपिटल ए कैपिटल ए है इनका नंबर इतना है ये कैपिटल ए स्मॉल है इनका नंबर इतना है ये स्मॉल स्मॉल है, है इनका नंबर इतना है तो आपको पहले एन कैलकुलेट करना है यह आगे आपका एन अब एन का पता ही आपको आगे क्या करना है इसको दो से इसको दो से इसको एक से मल्टीप्लाई करना है यह क्या आएगा अच्छा अब चलो अब आप खुद ही करो अब बताओ यहां पर ए की फ्रिक्वेंसी क्या आएगी और ए की फ्रिक्वेंसी क्या आएगी क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको चलिए आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन लास्ट बाकी आप प्रैक्टिस करना जो डाउट हो पूछना और अगर आप लोगों को देखो कुछ छोटे मोटे डाउट आते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड उस वीडियो को दोबारा देख लिया करो है ना उस छोटे से पॉइंट को दोबारा देख लिया करो तिबारा देख लिया करो मैं कोशिश ये करता हूं कि सारे के सारे डाउट्स सा आपके क्लियर हो जाए क्योंकि जितना मैंने क्लासरूम्स में पढ़ा रखा है तो थोड़ा मुझे पता है कि क्या डाउट्स आ सकते हैं तो मैं ऑलरेडी क्लियर करके चलता हूं बट फिर भी कई बार जैसे कि एक डाउट आ रहा था कि फोर सी फोर कैसे लिया फोर सी थ्री कैसे लिया फोर सी टू कैसे लिया वो अपन फिनोटाइप देख रहे थे ना इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में तो ये कैसे लिया समझ में नहीं आया बेटर है एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लो उस पॉइंट से मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे आया ये है ना तो थोड़ी सी मेहनत आप मेरे साथ कर लो जब मैं इतना कर रहा हूं आप लोगों के लिए तो थोड़ा आप भी कर लो कुछ ऐसे डाउट पूछो जो टॉपिक में नहीं आए हुए हैं कवर नहीं हुए हैं जो सिर्फ वीडियो देखने से सॉल्व हो जाए तो थोड़ी मेहनत कर लिया करो चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन में कहा है कि रेड हेयर इज ए रिसेसिव ट्रेट रेड हेयर बालों का रंग अगर लाल है तो ये रिसेसिव ट्रेट है ठीक है बालों का रंग लाल है तो ये रिसेसिव ट्रेट है रिसेसिव ट्रेट है तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये लाल रंग के बाल तभी होंगे जब स्मॉल ए स्मॉल ए कंडीशन आएगी आई बात समझ में क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रेड हेयर होना एक रिसेसिव ट्रेट है तो रिसेसिव तो तभी आते हैं जब रिसेसिव होमो जाएगा इस कंडीशन आगे पढ़ते हैं इन ए रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन इन हार्डी विनवर्ग इक्विब्रियम इतना लिखा हुआ है क्या लिखा है इन रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन इन हार्डी विनवर्ग इक्विब्रियम तो आपको क्वेश्चन ये यह ये कहना चाहता है कि अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ और जितना बताया गया है हार्डी विनवर्ग इक्वेशन उतनी फॉलो करो यह बात कहना चाहती है लाइन आगे लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली नाइन परसेंट इंडिविजुअल्स नाइन परसेंट इंडिविजुअल्स में रेड हेयर्स है अब आगे क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ूंगा इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है आपको पहले कहा कि रेड हेयर रिसेसिव ट्रेट है स्मॉल स्मोल होता है तब आता है फिर कहा कि हार्डी विनवर्ग इक्वेशन है यहां पे नो परसेंट लोगों में रेड हेयर है तो इसका मतलब इस पॉपुलेशन में स्मॉल स्मोल वाले नो परसेंट है यानी सो में से नो no मेंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं स्मॉल ए स्मोल ए जीरो पॉइंट जीरो नाइन है सो में से है ना ऐसे लिख दिया अगर स्मॉल ए स्मॉल ए जीरो पॉइंट जीरो नाइन है तो स्मॉल ए कितना हो गया यह आ गया कैपिटल ए कितना आएगा वन माइनस पॉइंट थ्री अब क्या पूछ रहा है आपको जो है ये कितना आएगा ये कितना आएगा और ये कितना आएगा आप खुद कैलकुलेट करके बता देना तो ये है हार्डी विनवर्ग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी हैं बहुत सारे थोड़े आप मेहनत कर लेना खुद से डाउट हो तो डाउट पूछ लेना जहां जरूरत पड़े थोड़ा वीडियो दोबारा देख लेना बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलिए